हेलो गाइस, बहुत सारे आप देख रहे हैं मोटोफिलर। आज अपन देखने वाले भाई Hyundai Venue वर्सेस टाटा नेक्सॉन के डीजल वेरिएंट्स को। जी हाँ गाइस, बहुत टाइम से जो आपके कमेंट्स आ रहे थे तो सोचा आज जो है कंपेयर कर दिया जाए। तो टाटा नेक्सॉन डीजल का मैं खुद ऑनर हूँ, Venue डीजल मेरे फ्रेंड ने रिसेंटली लिए, अच्छा खासा ड्राइव करके आया। तो आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसा परफॉर्मेंस है, कैसा आपको माइलेज देखने को मिलता है, गाड़ी का कम्फर्ट कैसा है, इंटीरियर क्वालिटी कैसी है, विजिबिलिटी कैसी है, ऑफ रोडिंग में कैसा परफॉर्म करती है, ऑन रोड, हाईवे, सिटी ड्राइव, सब कुछ अपन देखेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भाई इंजन की। तो देखो, टाटा नेक्सॉन में आपको मिलता है 1.5 लीटर का टर्बो डीजल इंजन जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 112 पीएस की और 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क। और अगर आप दूसरी तरफ देखते हैं Venue में, तो यहाँ पे आपको मिलता है 1.5 लीटर का सीआईडी इंजन जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 100 पीएस की और लगभग 240 न्यूटन मीटर का टॉर्क। तो अगर आप ऑन पेपर देखते हैं तो बहुत ज्यादा सिमिलरिटीज आपको देखने को मिलती है, लेकिन रियल वर्ल्ड में जब ड्राइव करते हैं तो बहुत ही डिफरेंट नेचर है दोनों गाड़ियों का। तो भाई नेक्सॉन की बात करें तो देखो, नेक्सॉन में आपको एक बढ़िया टर्बोचार्ज देखने को मिलता है, लेकिन उसमें एक लेटेंसी है। जब आप गाड़ी ड्राइव करते हैं तो थोड़ा सा लेट ऑन होता है, मतलब आप जब थोड़ा सा 30-40 की स्पीड में चले जाएंगे ना, उसके बाद जो है इसका टर्बोचार्ज किक इन करता है थोड़ा सा हायर आरपीएम में, तब जो है आपको परफॉर्मेंस फील होता है। और आपको नेक्सॉन में बेनिफिट है कि आपको ड्राइविंग मोड्स वगैरह मिल जाते हैं, तो अगर आप जो स्पोर्ट्स मोड पे उसको स्विच कर देते हैं तो थोड़ा सा जल्दी जो है टर्बोचार्ज स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जब टर्बोचार्ज स्टार्ट हो जाता है उसके बाद आपको जो है बहुत ही तगड़ी परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। तो अगर आप जो है टेस्ट राइड करने जा रहे हैं तो भाई थोड़ा सा वेट करें, गाड़ी को थोड़ा हायर स्पीड पर ले जाए, उसका टर्बो स्टार्ट होने दें, देन जो है गाड़ी को जज करें, क्योंकि टू डिफरेंट पर्सनैलिटी भाई इंजन की, बिल्कुल अपरिचित वाला गेम है, एकदम से वो अम्बी बन जाता है, देन जो है रेमो आ जाता है, तो इस टाइप का फील है। दूसरी तरफ Venue की बात करें तो भाई Venue का इंजन देखिए, मैंने क्रेटा में भी चलाया था तब भी ऐसा ही फील हुआ था। ये इंजन बहुत लीनियंट है, कहीं भी बहुत लैगी नहीं लगता, लेकिन कहीं भी कोई पावरफुल नहीं लगता है। और मेरे को जो है क्रेटा में मेरे फ्रेंड जो अभी चला रहा है वो भी बहुत कहता है कि भाई ये लॉन्ग टर्म में काफ़ी बोरिंग इंजन है, आपको कहीं भी बूस्ट जो है फील नहीं होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि परफॉर्मेंस कम रहेगा, क्योंकि वही इंजन जो क्रेटा में चल रहा था Venue में लगा दिया, तो ऑब्वियसली साइज कम है, वेट कम है, तो परफॉर्मेंस तो फील होता है, लेकिन जो एड्रेनल आपको मिलना चाहिए, जो आपको 3W में मिलता है, जो आपको नेक्सॉन में मिलता है, थोड़ा सा जो है इस इंजन में आपको मिसिंग सा लगेगा। अब बात करते हैं भाई ड्राइविंग डायनेमिक्स की। तो ड्राइविंग डायनेमिक्स में कम्प्लीटली डिफरेंट है। अगर आप जो है सिटी ड्राइविंग के लिए चूज कर रहे हैं तो भाई Venue को आग बंद करके ले लो। जब मैं नेक्सॉन से Venue में स्विच हुआ था तो भाई एक मेजर डिफरेंस जो है फील होता है, क्योंकि पिलर्स पतले हैं, बोनट विजिबल है, ओवरऑल गाड़ी का डिज़ाइन जो है बॉक्सी है, और यही इसकी यूएसपी है। और इनने जो है भाई स्टेयरिंग भी इसका काफ़ी लाइट रखा है, जो डैशबोर्ड है फ्लैट है, तो ओवरऑल काफ़ी आपको ईजी टू मनीवर, ईजी टू ड्राइव जो है फील होता है स्टार्टिंग से ही। जैसे आप गाड़ी में बैठते हैं, Venue की बॉडी लाइन काफ़ी नीचे है तो आपको विजिबिलिटी बहुत अच्छी आती है, और साइड से भी बिल्कुल ही फ्लैट है, तो आपको कोई ऐसी दिक्कत नहीं कि भाई कहीं कोई कर्व और टकरा जाए। फर्स्ट टाइम बायर हो तो आपके लिए Venue बहुत ही ईजी हो सकती है, अगर आप जो है सिटी ड्राइविंग की बात करें। लेकिन ये चीज़ें सिटी तक ही लिमिट रहती है। जब आप हाईवेज पर जाते हैं तो भाई देखो, जैसे मैंने कहा था इंजन एकदम स्टेबल चलता है, उसके बाद जो स्टेयरिंग फीडबैक है उतना तगड़ा नहीं है Venue का, थोड़ा सा हार्डनेस आनी चाहिए स्टेयरिंग में, जिससे जो अपन थोड़ा बहुत हाई स्पीड पर कॉर्नरिंग वगैरह कर पाएँ, या थोड़ा बहुत शार्प हैंडलिंग आपको मिल जाए, तो ऐसा कुछ भी आपको फील नहीं होगा, बहुत ही स्टेबल हैंडलिंग है। अब दूसरी तरफ नेक्सॉन को अगर आप सिटी ड्राइविंग की बात करें तो मैंने पहले ही कह दिया Venue को चूज़ कर लो, क्योंकि इसका ए पिलर जो है काफ़ी मोटा है, आपको जो है बहुत बड़ा एक ब्लाइंड स्पॉट बनता है, थोड़ी सी आपको जो है कंपेयर टू Venue पैक्ड फील होगी, और आपको जो है थोड़ा सा जजमेंट में इशू हो सकता है न्यू ड्राइवर्स को, अदरवाइज कोई ऐसी मेजर दिक्कत नहीं है। टर्बो चार्ज भी है भाई, तो वो जब स्टार्ट हो जाता है तो आपको गियर शिफ्टिंग डाउन करना, अप करना, तो ये एक एक्स्ट्रा टास्क आपका बढ़ जाता है। हाईवेज पे भाई नेक्सॉन किंग है, हाईवेज पे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, बहुत ही सॉफ्ट सस्पेंशन है, और उसके साथ जो है बॉडी वेट काफ़ी ज़्यादा है, तो आपको स्टीयरिंग फीडबैक भी अच्छा मिलता है। ऑफ रोडिंग अगर आप इस पर करना चाहें तो भी थोड़ी बहुत कर सकते हैं, 209 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, टायर साइज अच्छे मिलते हैं, तो थोड़ा बहुत जो है छोटी मोटी ऑफ रोडिंग भी जो आप इससे कर सकते हैं। अब बात करते हैं भाई कंफर्ट की। तो देखो कंफर्ट में भाई टाटा किंग है। आप जो इनकी कोई भी गाड़ी उठा लीजिए, टियागो पंच से लेके आप जो सफारी तक चल जाए, किसी भी रेंज में अगर इनकी गाड़ी आती है तो कंफर्ट नेक्स्ट लेवल होगा। और वो इसलिए होता है क्योंकि ये सस्पेंशन बहुत ही सॉफ्ट चूज़ करते हैं, और उसके साथ जो भाई इनके सीट्स पता नहीं कौन बनाता है, बिल्कुल सोफा स्टाइल की सीट्स होती है, तो लॉन्ग रन्स में आपको बहुत कंफर्टेबल लगती है। मैंने जितने भी अभी ऑनर्स रिव्यू करे हैं टाटा की कार्स के, वो जब शिफ्ट होते हैं कोई दूसरी कार से तो बोलते हैं भाई बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल लगती है। लेकिन एक चीज़ है, अगर आप जो है पीछे की सीट की बात करें तो जो बॉडी लाइन है उसकी हाई है, तो जिनके घर में लोग की हाइट थोड़ी सी कम है तो वो जो है Venue को चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर अब आपको जो है बॉडी लाइन थोड़ी लो मिलती है तो विजिबिलिटी बेटर मिलती है, और उसके बाद जो आप थोड़ा सा रिक्लाइन भी कर दिए उन्हें सीट में, ऑप्शन दे दिया है,
तो भाई वो भी एक एक्स्ट्रा फीचर हो गया जो कि वेन्यू में मिसिंग रहता था। तो थोड़ा सा ओपन एरिया के लिए आप जो है वेन्यू को चूज़ कर सकते हैं। वेन्यू के नए फेसलिफ्ट वर्जन में उन्होंने देखिए सीट्स इंप्रूव कर दी, लेकिन सस्पेंशन अभी भी स्टिफर साइड है। तो अगर आप ख़राब रोडों पर ड्राइव करते हैं या लॉन्ग रन्स पे करते हैं तो भाई नेक्सॉन के कंपेयर में आपको जो उतना कंफर्ट फील नहीं होता। अब बात करते हैं भाई माइलेज की, तो वेन्यू का माइलेज मैंने रिसेंटली निकाला है बहुत ज़्यादा फोर्स कर करके, तो मैं आपको बता देता हूँ भाई गाड़ी आराम से 15-16 का माइलेज सिटी में दे रही थी। और उसके बाद अगर आप हाईवेज की बात करें तो अराउंड 20-21 तक जो है मैक्स मैंने निकाला, बहुत पुश करने के बाद 80 की स्पीड में लिमिट करने के बाद नाइट एक्सीलेटर पे। लेकिन अगर आप नेक्सॉन से फिर से माइलेज से भी कंपेयर करते हैं तो भाई नेक्सॉन का माइलेज बहुत बेटर है। सिटी ड्राइव में मैं जो निकालता हूँ 17 का आराम से माइलेज जो निकाल देती है, और जब आप हाईवेज पे जाते हैं तो बहुत बेटर माइलेज निकाल सकते हैं। अगर आप जो गाड़ी के नेचर को समझ जाएं तो आप जो 25 प्लस तक का माइलेज बड़े आराम से निकाल सकते हैं। इस पर एक डिटेल वीडियो मैंने बनाया कि आप कैसे जो है बेस्ट माइलेज निकाल सकते हैं नेक्सॉन में, तो वो वीडियो चेकआउट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं भाई सेफ्टी की, तो देखो इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आप सभी को पता है टाटा की कार सेफ होती है, नेक्सॉन 5-स्टार रेटेड है। लेकिन जो ब्रेकिंग है भाई, ब्रेकिंग भी नेक्सॉन में बेटर लगी मेरे को। मैंने हाई स्पीड में काफ़ी ट्राई किया वेन्यू को, उसकी जो बाइट अच्छी है लेकिन वैसी ब्रेकिंग नहीं है, शार्प ब्रेकिंग जो आपको देखने को मिलती है। भले नेक्सॉन में थोड़ा सा आपको जो है बॉडी रोल हल्का सा आ जाता है जब आप हार्ड ब्रेकिंग करते हैं, लेकिन उसकी ब्रेकिंग थोड़ी सी शार्प है और इससे शार्प आपको 3W में लगेगी। तो अगर आप ब्रेकिंग सिर्फ की बात करें तो भाई वेन्यू थोड़ी सी पीछे रह जाती है। वेन्यू की सिस्टर कंपनी जो किया की सोनेट है, उसकी ब्रेकिंग जो है वेन्यू से बेटर है। अब फाइनल वर्डिक्ट की बात करें तो भाई आप क्लियरली समझ गए होगे, अगर आपकी जो है सिटी टू सिटी ड्राइव है तो भाई वेन्यू ले लो, बहुत ईजी है, बहुत बढ़िया, आप कहीं से भी निकाल लोगे, बढ़िया आपको विजिबिलिटी मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है, एसी काफ़ी अच्छा वर्क करता है, इंटीरियर क्वालिटी काफ़ी तगड़ी है। तो ये आपको अगर रिक्वायरमेंट है तो आप जो है वेन्यू को चूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आप जो है रूरल एरियाज में रहते हो या आपके जो है लंबे लंबे ड्राइव्स होते हैं हर महीने, तो आप जो है नेक्सॉन को आँख बंद करके चूज़ कर लो, सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल कार है पूरे सेगमेंट की। तो ओवरऑल आप जो है अपना प्रायरिटीज समझिए किस रीज़न से आपको किसको चूज़ करना चाहिए। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करिए। थैंक यू, बाय बाय।